हेलो गाइस, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। टेलीविजन के मशहूर एक्टर पर्ल वी पुरी को एक माइनर गर्ल के रेप चार्ज में गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, और उन्हें 10 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया गया है। आपने मीडिया में पिछले दो दिनों में इससे जुड़ी हुई काफ़ी खबरें सुनी होंगी, तो हम आपको इस न्यूज़ से रिलेटेड चार एक्सक्लूसिव बातें बताते हैं जो आपने शायद कहीं नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर ये कि ये केस साल 2019 का है। जी हाँ, दरअसल साल 2019 में वालिव पुलिस स्टेशन में माइनर गर्ल के पापा ने ये कंप्लेन की थी, लेकिन केस को अपने मुकाम तक पहुँचते और जांच होते होते साल 2021 आ गया। इसीलिए पुलिस पर काफ़ी सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच में अमूमन इतना वक्त तो लगता ही है और इसके बाद कोविड आ जाने की वजह से जांच में थोड़ा डिले हो गया। अब आपको बताते हैं दूसरी एक्सक्लूसिव खबर। माइनर गर्ल की जो माँ है वो 2019 में पर्ल वी पुरी जो बेपनाह प्यार है शो कर रहे थे उसी के सेट पर काम करती थी, और ये शो एकता कपूर का नायगांव में एक सेट पर शूट हुआ करता था। और क्योंकि माइनर गर्ल की जो माँ है वो उसी एरिया में रहा करती थी, उनकी बेटी अक्सर उन्हें अकंपनी दिया करती थी। लेकिन उस दिन आरोप ये है कि माइनर गर्ल को फोटो खिंचाने के बहाने पर्ल वी पुरी अपने वैनिटी वैन में ले गए और वहाँ उसके साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया, जिसके बाद माइनर गर्ल के पापा ने ये कंप्लेन वालिव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। अगली एक्सक्लूसिव खबर, पर्ल वी पुरी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये पॉक्सो एक्ट चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, जिसका फुल फॉर्म है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये एक्ट 2000 में बना था, साल 2000 में, और इसे 2015 में अमेंड किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत 18 साल से नीचे अगर किसी भी गर्ल या बॉय के साथ कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट होता है तो उसे पॉक्सो एक्ट के तहत सजा मिलती है। पॉक्सो एक्ट में कम से कम 10 साल की और मैक्सिमम उम्र कैद की सजा होती है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ हीनियस क्राइम।